आज के इस वीडियो में मैं कोड फोर्सेस एजुकेशन राउंड 111 का क्वेश्चन नंबर बी मैक्सिमम कॉस्ट डिलीशन को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस क्वेश्चन में आपको इनपुट के रूप में दिया गया है क्या कि एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, ठीक, और उसका उसमें ए और बी की वैल्यू दिया रहेगा। और इस क्वेश्चन में बेसिकली कहता क्या है कि जो स्ट्रिंग दिया रहेगा वो उसमें ओनली 0 और 1 करेक्टर, 2 ही करेक्टर उसमें अवेलेबल रहेगा। और बोला गया है क्या कंसेक्यूटिव सब स्ट्रिंग ऑफ इक्वल कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए, को आप इरेज करिए और इरेज करने के बाद एक कोई लेंथ चूज करिएगा। तो यहाँ पे जैसे लेंथ हम 2 चूज करेंगे तो वो बोल रहा है व्हेन यू डिलीट अ सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल देन यू यू विल गेट ए एल प्लस बी पॉइंट। आप जितना बार ये ऑपरेशन करिएगा ना, मतलब कंसेक्यूटिव सब इक्वल कैरेक्टर वाले को चूज करके उसको इरेज करिएगा तो उतना टाइम्स वो यहाँ पे एल की वैल्यू वो हो जाएगी सब स्ट्रिंग की लेंथ और उतना टाइम्स ये ए एल प्लस बी चलेगा। और बोल रहा है क्या ए एल प्लस बी आपको पॉइंट मिला तो टोटल कितना पॉइंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो सिंपल है, पहले हम ए एल प्लस सॉरी ए एल ए मल्टीप्लाइड बाई एल पर फोकस करते हैं। आप सोचिए एल की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1, क्योंकि हम एक एक लेंथ लेंगे, मतलब एक एक कैरेक्टर का लेंथ लेंगे, मतलब पहले इसको डिलीट कर दिए, फिर इसको। और एल की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव इसको भी डिलीट कर सकते हैं ये, या तो इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। और इरेज करने के बाद उसको हटाकर और फिर क्या मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे 0 0 को हम इरेज करते हैं, चलिए ठीक, तो क्या बचा, 1 1 1 1, ठीक, इतना। इसके बाद इस पूरे को हम एक ही बार में डिलीट कर देंगे, ठीक, तो कर दीजिए। तो इसका कितना हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना आप कर पाएंगे, 2 ही बार में ये पूरा इरेज हो गया। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप मैक्सिमम पॉइंट कितना गेन कर पाएंगे। तो आप एल की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लीजिए, यहाँ पे पहले एल की वैल्यू क्या लिए थे और 2, उसके बाद क्या हुआ, 2 मतलब क्या, ये सब स्ट्रिंग का लेंथ 1 2 हुआ, उसके बाद क्या लिया है 1 2 3 4, यानी पहले एल की वैल्यू 2 लिए हैं, उसके बाद क्या लिए हैं, ये 1 2 3 4, 4 एलिमेंट को इरेज किए तो 4 लिए हैं। अब इन दोनों को ऐड करिए, दोनों में तो ए से मल्टीप्लाइड होगा ही ना, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कर दीजिए, ए तो कॉमन ही रहेगा इसमें, और इसमें भी 4 मल्टीप्लाइड बाई ए करिएगा। हम अभी फोकस कर रहे हैं सिर्फ ए एल प्लस ए ए मल्टीप्लाइड बाई एल पर, ठीक। तो अब इन दोनों को ऐड करिए, 4a + 2a कितना हुआ, 6a, ठीक। अब यदि हम l की वैल्यू 1 भी लेंगे तो l की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना बार इटरेट करना पड़ेगा, 6 टाइम्स, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6a, यानी आप l की वैल्यू कुछ भी लीजिएगा तो अल्टीमेटली टोटल आपको पॉइंट्स a मल्टीप्लाइड बाई l में कितना मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा। यानी यहाँ पे देखिए क्या 6 into a क्या है, 6 क्या है, इसका लेंथ है स्ट्रिंग का 1 2 3 4 5 6, तो हम मान लेते हैं स्ट्रिंग का लेंथ n है। तो एक तो ये फिक्स ही होगा कि आपको टोटल पॉइंट, आप कुछ भी लेंथ लीजिए, a मल्टीप्लाइड बाई l मिलेगा ही मिलेगा, n मल्टीप्लाइड बाई a इंटू l, और यहाँ पे n क्या है, स्ट्रिंग का साइज है। अब हमारा क्वेश्चन मेन इस पे डिपेंड करता है, b पे, कि b को हमको कब मैक्सिमम लेना है और कब मिनिमम लेना है। अब b पर डिपेंड करता है, यदि b निगेटिव हो गया तो मिनिमम लेना चाहिए। मिनिमम कब होगा, जब हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप इसको हम एम्प्टी कर पाए, मतलब कंसेक्यूटिव कैरेक्टर इक्वल को हम इरेज करते जाए और फिर वो श्रिंक होता जाएगा स्ट्रिंग का साइज, फिर कंसेक्यूटिव कैरेक्टर इक्वल कैरेक्टर लेंगे और फिर उसको इरेज करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते एम्प्टी करना है स्ट्रिंग को। तो अब यहाँ पे 2 सिनेरियो है, यदि बी पॉजिटिव हुआ तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा बी को, तो मैक्सिमाइज कब होगा, जब एल मिनिमाइज होगा, और एल मिनिमाइज कब होगा, 1, यानी टोटल एन टाइम्स हम चलाएंगे, यानी ये जो स्ट्रिंग का साइज होगा ना उसके बराबर हम यदि इटरेट करेंगे तो बी मैक्सिमाइज मैक्सिमम बार ऐड हो पाएंगे हमारे स्कोर में। और यदि बी निगेटिव हो तो निगेटिव के लिए क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप आप कितना करोगे कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए। तो अब सेकेंड, पहला तो यही हो गया कि ये तो फिक्स ही होगा एन मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एल, ये तो होगा ही होगा हमारे स्कोर में। और दूसरा होगा कि हमको बी को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, मतलब तो मैक्सिमम टाइम्स बी कितना बार हो सकता है, एन मल्टीप्लाइड बाई बी, क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर को ले लेकर और उस पर हम इरेज करेंगे तो एन मल्टीप्लाइड बाई बी हो गया, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यदि बी पॉजिटिव हो गया तो एन मल्टीप्लाइड बाई बी है, यदि बी निगेटिव हुआ तो हमको मिनिमम टाइम्स चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि निगेटिव ऐड होगा तो और निगेटिव वैल्यू ही होगा ना, जबकि हमको क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है
मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यू हैव टू गेन, ऐसा बोला गया है। तो अब मिनिमम कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल सी ए वाले ले लेते हैं, 100 और 111। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या करें कि ये स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जीएफजी का, आप जीएफजी पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब फिर भी हम बताते हैं ये क्या होता है। आप सिंपली ये जो मिडिल में जो जो कंसेक्यूटिव सेम कैरेक्टर है उसको आप इग्नोर करिए। इग्नोर करने का मतलब क्या, जैसे वन है तो वन दे दीजिए वन टाइम्स। अब देखिए टू दो बार जीरो आया है ना, तो इसको सिंपली एक बार लीजिए क्योंकि इसके काउंट में हम टू कर देंगे। ठीक, ऐसे ये टू टाइम्स आया है तो ऐसे टू कर देते हैं, और वन कितना टाइम्स आया है, थ्री टाइम्स, तो ऐसे करके हम इसको थ्री कर देते हैं। और ये फर्स्ट टाइम्स में वन कितना है, वन ही बार है। अब देखिए अब हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप चाहिए इस स्ट्रिंग को एम्प्टी बनाने के लिए, और क्या क्या इरेज करेंगे। तो आप खुद ही देखिए, यदि आपको ऐसा सिनेरियो दिया जाए तो आप क्या करिएगा, 1010। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप क्या हो सकता है, कुछ भी करिएगा तो 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि पहले आप 1 को इरेज करिए तो क्या होगा, 100। फिर आप ये 00 को इरेज करिए तो क्या बचेगा, 1। और फिर ये 1 को इरेज करिए तो क्या बच गया, एम्प्टी। तो कितना नंबर ऑफ स्टेप हुआ, 1, 2, और एक बार 1 को 3 नंबर ऑफ स्टेप हुआ। और यदि इसके एंड में एक 1 और आ जाए, देखते हैं दूसरा सिनेरियो इसका। देखिए ये इसके एंड में 1 आ चुका है, मतलब सेम कैरेक्टर एंड में है। ठीक, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप क्या होगा, आप इसको एक बार लीजिए और इसको एक बार, तो दो बार में ये दोनों 0 इरेज हो गया। उसके बाद थर्ड टाइम में ये 3-1 बचेगा ऐसे, और उसको एक ही बार में इरेज कर देंगे। तो इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हुआ, 3। यानी 3 बार्स मिनिमम आपको इरेज करना ही पड़ेगा इस स्ट्रिंग को एम्प्टी करने के लिए। तो अब ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि आप देखिए नंबर ऑफ काउंट निकालिएगा, कुछ भी हो नंबर ऑफ काउंट्स, और उसमें रेगुलरिटी होना चाहिए 0101 या 1010 का। और उसमें आपको देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप हम क्या करेंगे कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए। तो यही मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप ही करेंगे, और ये जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप निकाले हैं ना, यही हो जाएगा क्या कि आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप क्या करें कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए। और उसी में, और ये मिनिमम नंबर जो निकालेंगे ना, यदि बी निगेटिव हुआ तो इसी मिनिमम नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको एल उसी के एडजस्ट लेते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एल क्या लिए हैं, पहले 1 लिए हैं तो 1, उसके बाद 2 लिए हैं तो 2, और उसके बाद 1 फिर लिए हैं तो 1, तो टोटल तो एन मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एल तो होगा ही, ये तो पहले हम देख चुके हैं। ठीक, और हमको तो बी को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज करने के लिए एल तो 1 सिंपली ले लेंगे। तो एन टाइम्स यानी स्ट्रिंग के लेंथ टाइम्स हम उसको इट्रेट करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट क्या मिल सकता है इसमें, एन मल्टीप्लाइड बाई बी, बी के थ्रू। और मिनिमम यदि बी निगेटिव हो तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वो होगा जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप उसको इरेज करने में लगेगा, वही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। ये वैसे स्टैंडर्ड आंसर होता है, इसका सिंपल आंसर हम बता देते क्या होता है, एन डिवाइडेड बाई 2+1। देखिए इसमें क्या है, कितना है n, यानी स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1, 2, 3, 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 2 और प्लस 1 एक ऐड करिए तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 कैसे हुआ, पहले आप इसको इरेज किए तो 1 स्टेप में ये बना 100, फिर 00 को हटाए तो 1 सिर्फ बचा, और 1 को लास्ट में आप गायब कर देंगे, मतलब इरेज कर देंगे, तो 3 टाइम्स हुआ ना। तो वही n बाय 2 यानी 1, 2, 3, 4, 4 बाय 2 यानी 2 और प्लस 1 यानी 3। अब इसका देखिए, फर्स्ट में इस 0 को हम इरेज करेंगे, सेकेंड में ये 0 को इरेज करेंगे तो 2 हो गया, और लास्ट में ये 3 times 1 हुआ तो इसको एक ही बार में इरेज कर देंगे, तो इसमें भी 3 बार हमको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर 5, तो 5 बाई 2 कितना हुआ, 2, और 2+1 3, तो इसमें भी 3 times आ गया ना ये। तो यही बेसिकली हम कोड में किए हैं, आप एक दो और एग्जाम्पल्स लेके ऑब्जर्व करिएगा तो आप एक पैटर्न पकड़ ले गया। तो चलिए कोड देखते हैं, कोड में भी यही किया है सिंपली। देखिए n क्या है, ये स्ट्रिंग का साइज हुआ, और ए बी क्या हुआ जो हमको यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, n मल्टीप्लाइड बाय al प्लस b को, ये रहा वही। अब देखिए s एक स्ट्रिंग इनपुट में ले लिए हैं। अब देखिए इनिशियली ये काउंट क्यों लिए हैं, काउंट बराबर 1, क्योंकि सिंपली एटलीस्ट 1 एलिमेंट यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 1, मिनिमम नंबर ऑफ
स्ट्रिंग का साइज क्या हो सकता है, वन हो सकता है। तो यहाँ पे वन इसीलिए लिए क्योंकि उस स्ट्रिंग में या तो जीरो या तो वन, एक वन टाइम्स तो होगा ही होगा ना, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे इटरेशन वन से स्टार्ट किए हैं और एन तक लिए हैं, और देखे हैं क्या यदि डिफरेंट आया कोई एलिमेंट, जैसे इसमें ही देखिए, एक मिनट, जैसे इसमें देखिए 1 0, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, फर्स्ट में ही आ गया। यदि हम यहाँ से इटरेट करेंगे तो, एक मिनट, यहाँ से हम इटरेट करेंगे तो देखिए ये दोनों डिफरेंट आ गया। तो पहले तो हम वन रखे थे, काउंट की वैल्यू यहाँ देखिए, काउंट की वैल्यू वन, तो ये वन इसके लिए हो गया सी एन टी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंस हुआ, तो सी एन टी को हम सी एन टू को सी एन टी को हम एक बार इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस आ गया। फिर आ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखेंगे इसके प्रीवियस दोनों सिमिलर है तो कुछ नहीं करना है, फिर आई को इंक्रीमेंट करना है। और फिर यहाँ पे देखेंगे इसके प्रीवियस फिर डिसिमिलर हो गए, तो इसमें प्लस प्लस सी एन टी प्लस वन कर देंगे, तो पहले 2 हो गया था, अब 3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे करेंगे तो इसका प्रीवियस तो सेम ही है, फिर यहाँ भी करेंगे तो इसका प्रीवियस सेम ही है, यानी काउंट टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो वैसे भी आप इसको सिंपली इस फॉर्म में देखिएगा तो 101, तो इसका साइज क्या हो गया, 3 ही हो गया ना। तो बेसिकली यही एक लॉजिक से निकाले हैं, आप करिए खुद से ही एक बार ऑब्जर्व करिएगा तो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मिनिमम आंसर क्या होगा, मिनिमम बी का आंसर क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ सी एन टी डिवाइडेड बाई 2 होगा, जो कि यहाँ पे अभी निकाले हैं हम, उसको डिवाइड, ये यहाँ पे एन बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पे एन क्या है, सी एन टी है, टोटल नंबर ऑफ 10, ऐसे यहाँ पे निकाले ना टोटल नंबर ऑफ 10 क्या होगा, 10 का दोनों का कॉम्बिनेशन है, 1 कितना टाइम्स और 0 कितना टाइम्स, ये तो वही किए हैं, सी एन टी बाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 किए हैं। अब देख लेते हैं, दो ही सिनेरियो बचता है, या तो बी मैक्सिमाइज हो तो एन मल्टीप्लाइड बाई बी, और एन मल्टीप्लाइड बाई ए तो होगा ही कोई भी कंडीशन हो। और यदि मिनिमम, यदि बी निगेटिव हो तो मिनिमम बी करना पड़ेगा, और मिनिमम बी तो सी एन टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ही से ही इरेज होगा ना। तो ये किए हैं, इन दोनों का मैक्स निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको क्या चाहिए, तो यही है, आप यही करिएगा, आंसर आ जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।